गाइज, आपका निनी हर्बल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, ये देखो, मैंने बेम्बो का प्लांट लगा रखा है। काफ़ी 5, 6, 7, 8 साल पुराना है ये, और इतना बड़ा नहीं। जब बढ़ने का मौसम आता है तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो आजकल देखो थोड़ा पीला पड़ गया है, तो इसकी कटिंग अब करने वाली थोड़ी सी हो गई है। और इस थोड़े दिनों के बाद इसके पत्ते बारिश में इतने सुंदर हरे पत्ते नए निकलने शुरू हो जाएंगे। और ये जो बैम्बो, एक होता अचार वाला, तो अचार वाला बैम्बो दूसरा होता है। ये फैंसी बैम्बो है। इसका तना दिखाती हूँ, इसका तना कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये है इसका तना। जो बैम्बो होता है ना अचार के लिए, वो बहुत मोटा बैम्बो होता है, वो जंगल वगैरह में और खुली जगह पे, जैसे मतलब ज़्यादा मिट्टी में लगता है। ये तो मैंने गमले में ही लगा रखा है। तो वो बैम्बो जैसे होता है कच्चा, उसकी जब मूलियाँ होती है, नीचे से मूली बनती है उसकी, और जो उसकी धरती से जो उसकी मूली होती है, जैसे हमारी दूसरी मूली खाने वाली होती है, तो ऐसी ही उस बैम्बो की मूली होती है। उस मूली को फिर निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर उसकी जैसे जब अंकुरित होता है बैम्बो, तो वह मूली को फिर निकाल के उसको अच्छे से साफ करके धो के उसका अचार बनाया जाता है। तो ये दूसरे वाला फैंसी बैम्बो है। एक बैम्बो होते जो टेबल पे हम रखते हैं तो वो फैंसी होते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और ये दूसरे वाला बैम्बो है। तो आप भी अपने घरों में लगाए, अच्छा होता है। मैंने सुना है कि शुभ होता है घर में लगाना, अच्छा होता है। और बाकी बच्चों को पता रहता है कि हाँ जो बांस होता है बांस कैसा होता है, तो वैसे बच्चों को पता नहीं रहता कि उसका पौधा कैसा होता है। कि हाँ बुक्स वगैरह में तो पढ़ते रहते हैं बच्चे, पर वैसे उनको पता होना चाहिए कि हमारे घर में ये बैम्बो लगा हुआ है, इसको हमने पानी देना है और कैसे बढ़ता है, कितना इसकी हाइट होती है, ये सारा ही हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि कोई हर प्लांट जो होते हैं जो मेडिसिन से जुड़े हुए, जो वैसे प्लांट है जो हमारे कॉमन प्लांट हैं, और बच्चों को हमारे पता होना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति जो है आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को पता रहे कि ये किस किस चीज़ के प्लांट हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भूलते ही जा रहे हैं, इसलिए वो अपने हाथों से पानी भी देंगे और उनको पता भी रहेगा इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसकी खुशबू कैसी होती है, अचार के लिए जो होता है वो कौन सा बैम्बो होता है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू।